अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो हमारा सफ़र है वो ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहा है और आज का सफ़र बहुत मज़े का था और बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली, नई सीखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स थे वहाँ पे, पाकिस्तान भी था, तो बड़ा एक दिल को सुकून मिला। तो यूँ अब हम ग्लोबल विलेज में एंट्रेंस हो गई है हमारी, यहाँ से अभी हमने टिकट परचेज़ किया। टिकट परचेज़ करने के बाद अब हम अंदर एंटर हो गए। इस तरह के अंदर स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, सारे अंदर हॉल्स हैं, लाइक पाकिस्तान का अलहदा, मिस्र का, इजिप्ट का, सीरिया का, अफगानिस्तान का, यूरोप का, यूएसए का। तो यहाँ पे आप ये देखें लोग कैसे यहाँ पे आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे अरबी आए हुए थे और ये साल में हर टाइम नहीं खुला रहता, साल के कुछ स्पेसिफिक सिक्स मंथ्स ये खुला रहता है, सिक्स मंथ्स ये बंद हो जाता है, तो सर्दियों के अंदर इसको खोलते हैं। तो आज चूँकि संडे था तो वीकेंड पे ज़रा ज़्यादा रश होता है, तो रश ज़्यादा भी होता है और संडे और वीकेंड के ऊपर टिकट कम भी होती है। ये एक आपको बड़ी एक मुनफरिद चीज़ सुनने को मिली होगी। आप ये ऊपर देखें जो ना इस टाइम रात का टाइम है और आपको जो आसमान है वो बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा लाइट्स थी। तो हम जैसे जैसे गुजर रहे हैं तो डिफरेंट पवेलियन हैं, तो जैसे भी हमने लास्ट देखा वो अफगानिस्तान का था, तो यूँ इस तरह की स्ट्रीट्स अंदर बनी हुई थी। उसके बाद डांसेस, ये रशिया का आ गया है। हमने कोशिश की है कि कुछ कुछ स्टेप्स या शॉर्टकट वीडियोस को आपके अंदर आपको दिखाएं ताकि आप भी चीज़ों को देख के महसूस हो सकें। और सारे अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कल्चरल ड्रेसेस पहने हुए थे, डांसेस वहाँ पे थे, किसी ने कुछ सॉन्ग्स गा रहे थे, ये कतर का आ गया। तो इस तरह ना बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ था, सारा राउंड है, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने कल्चर को। और डांसर्स का, ये इंडिया का ग्रुप था और इनको अमेरिका की तरफ से भी, इंडिया गॉड टैलेंट की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। इन लोगों की सिंक्रोनाइजेशन और इन लोगों का पैशन और इन लोगों की एनर्जी देखने वाली थी, लोग मज़ा आ गया था, मतलब कि ग्लोबल विलेज जाने का।
फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइम टाइम के बाद ना इनके इवेंट्स होते हैं। तो ये दरमियान में आपको छोटा सा फाउंटेन नज़र आ रहा है। अच्छा, जो दुबई है ना, इसको उन्होंने लाइटों से कवर किया हुआ है। आप देखें, मतलब कहीं पर भी पानी नज़र आ रहा है तो साथ लाइटों का भी उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ है। तो अभी ये कम किसी और पवेलियन के अंदर घुस गए हैं, मुझे लग रहा है कि ये हम पाकिस्तान में हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हैं। ये देखिए, कपड़ों की मार्केट है। आपको सारे किसी तरह इंडियंस के भी थे, इंडियन में ज़्यादा साड़ियाँ, और ये देखिए पाकिस्तान इंडियन में ज़्यादा वो थी, साड़ियाँ थी और उनके पास ज्वेलरी का सामान ज़्यादा उस तरफ था। जो अभी आपने मुलायजा फरमाए हैं, इसके अलावा वो दोबारा डांस की एक एक्टिविटी थी, तो इसलिए हमने आपको दोबारा दिखा दिया है। अभी हम किसी एक पवेलियन के अंदर एंटर हो गए हैं, तो यहाँ पे ये देख लें कि कैसे लोगों ने अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ी मोहब्बत की, मतलब कि जितने भी हम कल्चर के अंदर गए हैं तो सबके पवेलियन बने हुए थे, एंटर हुए थे। अब ये जापान का हमाल है, ये देखिए जापानीज डांस हो रहा है और इतना मज़े का लग रहा था। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लोकल्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं।